अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओ लेवल ज्योग्राफी 2217 के अंदर जो आपका एक सवाल आता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल, ये हर जगह आता है। इसमें आपसे पूछा जाता है रोड के नेटवर्क, उसके बाद पूछा जाता है आपका ये जो रेलवे है, एयरपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर में पूछा जाता है कि भाई ये फलां वीट कहाँ है, राइस कहाँ है, यानी कि जो पूरा पाकिस्तान का मैप दिखा के वो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर ज़्यादा है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक टिप जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी के साथ 4 मार्क्स वाला सवाल 4 मार्क्स लेके कंप्लीट कर सकते हैं। वेल, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप ये वाली वीडियो ऊपर आ रही होगी, ये भी देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया कि ओ लेवल के पेपर चेक कैसे होते हैं, जो कि ऑफिशियली उनकी वीडियो है। सो आपने करना क्या है, यहाँ पे बहुत ही आसान सी चीज़ है। आपको कोई सा भी सवाल आया हो, सबसे पहले आपने देखना है डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल है, ये फॉर्मूला लगाना है। आपने करना क्या है कि पाकिस्तान को 4 सूबों में डिवाइड कर देना है, बात ही खत्म। डिवाइड कैसे करना है, पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, यानी कि 4 आपके पास सूबे हैं, 4 मार्क्स का सवाल है। सबसे पहले तो आपको मैप का खुद पता होना चाहिए, यानी मैप आपको याद होना चाहिए, जबानी भी और जबानी तो ना भी हो लेकिन दिमाग से आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा है। अब आपने करना क्या, सबसे पहले आपने सूबा पकड़ लिया पंजाब, आपने क्या करना है, आपने बताना है कि सूबा पंजाब के अंदर आपको रेलवे लाइन ज़्यादा नज़र आ रही हैं, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेवलप्ड हुआ हुआ है। दूसरा आपने पकड़ा सिंध को, पंजाब से आप नीचे आ गए, या आप पंजाब से केपी के भी जा सकते हो। दूसरे सूबे को पकड़ना है, उस पर भी सेम बात की। तीसरे सूबे को पकड़ा, यार यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे इतना मज़ा नहीं है। फिर चौथे सूबे को पकड़ा, यहाँ पे भी ओके ही है। सो इस तरीके से आपने 4 पॉइंट्स, फिर आपने ओवरऑल बताना है, एक आप नीचे लाइन लिख सकते हो कि पाकिस्तान में मेनली जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत बच्चे करते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ से भी रिवर्स गुजरते हैं लोग उसके आसपास रहना पसंद करते हैं, चाहे पुरानी सिविलाइजेशन हो चाहे आज की हो। होता क्या है कि जहाँ पे से भी रिवर गुजर रहा होता है वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं, उनको पानी चाहिए होता है, बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है वो उसी के साथ होती है। और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जो है वो पानी आता है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें आप बता सकते हो कि यार ये फलाना एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में अगर कोई भी सवाल हो कि पंजाब में ज़्यादा है, सो आप रिवर बेस्ड भी कर सकते हो, लेकिन रिवर पे थोड़ी कम है। आप मेनली करो सूबों के ऊपर, क्योंकि सूबों के अंदर आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो कि हाँ यार इस शहर में 4 एयरपोर्ट हैं, 5 एयरपोर्ट हैं, इसमें 1-2 हैं, इसमें 3-4 हैं, इस तरीके से आप बता सकते हो। इस सूबे के अंदर ज़्यादा रेलवे है, इस सूबे में ज़्यादा रोड्स नेटवर्क हैं, ज़्यादा मोटरवेज हैं, 4 मार्क्स हो गए ना, 4 दफ़ा आप बताओगे कि यार इस सूबे में और इस सूबे में। वेल, आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक लिंक जिसके ऊपर आपको मैं बताऊंगा, एक पेज होगा जिस पे लिखा हुआ होगा कि यार ये सवाल आया और इसका जवाब इस तरीके से देना है, यानी आप फिजिकली अपनी आंख से भी देख सकते हो। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में और उसको डाउनलोड कर लो। और हाँ, ये ऑफिशियल वाली वीडियो लाजमी देखना, इसमें मैंने बताया है कि CIE कैसे पेपर चेक करती है, एंड इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू नो। ऑनेस्टली यार, आप पेपर दे रहे हो तो पता तो होना चाहिए ना कैसे चेक करते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखना।